Assalamu alaikum. Welcome to Hafiz Helper Series YouTube channel. Guideline for Doctor of Physical Therapy first year student for University of Health Sciences Law. अपना University of Health Sciences में first year के total चार subjects हैं: Anatomy, Physiology, Kinesiology and Biomechanics, Pakistan Studies and और इस आपके चार टोटल सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स हैं और इसमें से एनाटॉमी 200 मार्क्स की है, उसके 100 मार्क्स थ्योरी के हैं और 100 मार्क्स वाइवा के हैं. और जो आपके 100 मार्क्स थ्योरी के हैं उसमें से 90 मार्क्स का आपका यूएचएस एग्जाम लेती है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो आपके कॉलेज वाले यूएचएस में भेजते हैं. और इसी तरह फिजियोलॉजी के भी 200 मार्क्स हैं, उसमें से 100 मार्क्स थ्योरी के हैं और 100 मार्क्स. इसी तरह काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स दोनों इकट्ठे सब्जेक्ट्स हैं और इनका एक ही पेपर होता है, इसके भी 200 मार्क्स हैं और इसमें से 100 मार्क्स थ्योरी के हैं और 100 मार्क्स वाइवा के हैं. और पाकिस्तान स्टडीज 100 मार्क्स की है, इसमें से 60 मार्क्स इस्लामियात के होते हैं और 40 मार्क्स पाकिस्तान स्टडीज के होते हैं. इसमें आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और इसके टोटल मार्क्स हैं. और इसके पासिंग मार्क्स 30% है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी की. और बाकी जो भी सब्जेक्ट है काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनका पासिंग मार्क्स 50% है. और इस्लामियात का यूएचएस ने रूल बनाया है कि आप पूरे 5 साल में कभी भी पास कर सकते हैं और इसके पास के बगैर आपको डिग्री इशू नहीं होगी, इसलिए ये लाजमी है पास कर. और थ्योरी पेपर इसमें 45 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं और 45 मार्क्स के एसीक्यू होते हैं. और जो एसीक्यू पेपर होता है उसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. और आपने ये हर क्वेश्चन के लिए आपको एक सेपरेट आंसर शीट दी जाती है और आपने एक क्वेश्चन एक ही शीट के ऊपर करना है. और ये गलती नहीं करनी कि आपने एक एक शीट पर आपने एक से ज़्यादा एसीक्यू नहीं करने, एक शीट पर सिर्फ एक ही एसीक्यू करना है. अब एनाटॉमी की बात करते हैं, इसका थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होता है, इसमें 45 एमसीक्यूज होते हैं और 45 एसीक्यू होते हैं. और इसके सिलेबस में जनरल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, अपर लिम और लोअर लिम शामिल है. इस तरह फिजियोलॉजी का, इसके भी टोटल 90 मार्क्स हैं, आपके 45 एमसीक्यूज होंगे और 45 एसीक्यू होंगे. और इसके सिलेबस में सेल फिजियोलॉजी, मसल एंड नर्व फिजियोलॉजी, ब्लड फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. इस तरह काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है, इसका भी 90 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 45 एमसीक्यूज होंगे. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके इन 45 में एमसीक्यूज में से 25 एमसीक्यूज काइनेजोलॉजी के सब्जेक्ट से होंगे और 20 एमसीक्यूज बायोमैकेनिक्स से होंगे. और इस तरह आपके 45 नंबर एसीक्यू के होंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. और इसमें से आपके 6 एसीक्यू काइनेजोलॉजी से आएंगे और 3 बायोमैकेनिक्स से. और इस तरह काइनेजोलॉजी की डीना गार्डनर की बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है. और इस तरह बायोमैकेनिक्स की बुक है, उसके 1 से लेकर 8 तक सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड. और इस तरह इस्लामियात का सिलेबस है वो यूएचएस के सिलेबस में. और इस तरह वाइवा होता है और एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, उसके टोटल मार्क 90 होंगे और 10 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो आपका कॉलेज यूएचएस भेज देता है. इस तरह 45 मार्क्स की ऑस्पी होती है, उसमें 9 स्टेशन होते हैं और एक स्टेशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया 40 सेकंड भी देते हैं या 1 मिनट देते हैं. उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है जो भी चीज़ आपके स्टेशन पर रखी होगी. और इस तरह 45 मार्क्स का वाइवा होता है. और मोस्टली ऑस्पी में बॉन्ड्स और मॉडल वगैरह रखी होती हैं जो आपके कॉलेज में अवेलेबल हों. और इस तरह वाइवा आपके बोन्स पे ज़्यादातर लिया जाता है. एग्जामिनर्स आपको कहता है कि जो बोन उठाओ और इसको डिस्क्राइब करो. और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मिसाल के तौर पे मसल की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसका एक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. और फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइंट फॉर्मेशन, ज्वाइंट मूवमेंट, फंक्शन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो भी एग्जामिनर आता है वो हमेशा यही कहता है कि आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, आपको जॉइंट्स की मूवमेंट्स वगैरह
उनके फंक्शन, उनकी फॉर्मेशन और मसल के फंक्शन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह आने चाहिए। और इस तरह फिजियोलॉजी के हैं, उसमें 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 45 मार्क्स वाइवा होता है। और इसमें मोस्टली तौर पर डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं या कुछ भी फंक्शन वगैरह पूछ सकते हैं। और इस तरह काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का, इसमें भी 45 मार्क्स की ऑस्पी होती है और इस तरह 45 मार्क्स का वाइवा होता है। और वाइवे में मोस्टली तौर पे एक मॉडल बुलाया जाता है, आपका या क्लास फेलो हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है या कोई भी पेशेंट हो सकता है, और उस पर डिफरेंट के मूवमेंट्स आपसे परफॉर्म करवाई जाती हैं। और इसमें ज़्यादातर स्कैपुला, शोल्डर, एल्बो, हिप, नी वगैरह से पूछा जाता है। और इस्लामियात का कोई वाइवा नहीं होता, सिर्फ 100 मार्क्स का आपका SCQ पेपर होता है। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाफिज़ हेल्पर सीरीज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।